मंजू बेन आपका बच्चा क्या कर रहा है? वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा है। अरे मैं पढ़ के निकला हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए? वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहिए। पैसे किसमें ज्यादा मिलते हैं? वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहिए। जहां देखो यही बात, क्या करूं? वेबसाइट डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे बहुत ज्यादा है। आपने भी ये सुना होगा कहीं ना कहीं कि वेबसाइट डेवलपमेंट करो, लाखों रुपये कमाओ, घर बैठे कमाओ, कहीं भी सोते सोते कमाओ। बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुना होगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट करे तो पैसा कमा सकते। बट वेबसाइट डेवलपमेंट कौन कर सकता है? आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले कि वेबसाइट डेवलपमेंट करना है तो किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। पहले तो जिसके पास दिमाग है उसको करना चाहिए। मजाक मस्ती बंद करते हैं, चलो काम शुरू करते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट किसको करना चाहिए। वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आपके पास पहले तो नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आपके लिए वेबसाइट डेवलपमेंट है। सबसे पहले प्रायोरिटी में रिक्वायरमेंट है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको बेसिक हो या तो एडवांस हो, कंप्यूटर आना चाहिए ही चाहिए। बिना कंप्यूटर के कोई बोलेगा कोर्स बेचने के लिए कि वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज कि वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए? सेंस, दिमाग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें सेंस की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे सेंस की जरूरत होती है। सेंस मतलब कि आपके पास क्रिएटिव आइडिया हो, खुद के आइडिया हो, या तो ऐसा दिमाग हो आपके पास कि छोटी छोटी गलती आप ढूंढ सकते हो। छोटी गलतियां मीन्स कि वेबसाइट के अंदर ऐसा चीज आता है डेवलपमेंट के अंदर जो कोडिंग बोलते हैं उसके अंदर, डॉट भूल गए तो भी वेबसाइट काम नहीं करती है, या तो कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क, या तो कोई भी जैसे कि छोटे छोटे डॉट दिख रहे हो आप, क्वेश्चन मार्क्स या तो डॉट्स या तो कोई भी चीज, एक भी पॉइंट आप मिस कर गए तो आपकी वेबसाइट रन नहीं होती। तो आपके पास दिमाग ऐसा होना चाहिए कि छोटी छोटी चीजें ढूंढ निकालो गलतियां। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुने बिना ऐसे चले जाते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। तो आपके लिए वेबसाइट डेवलपमेंट तब है कि आपके पास इंटरेस्ट हो, डेली कुछ सीखने का इंटरेस्ट हो। वेबसाइट डेवलपमेंट भी बहुत ही डेवलप हो गया। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज आती है, HTML, Java, PHP, फ्रेमवर्क, .NET फ्रेमवर्क, बहुत सारी, मुझे भी नहीं पता कितनी आती है, बट आती है। तो लोगों के क्वेश्चंस कमेंट में आते थे कि वेबसाइट डेवलपमेंट किसको करना चाहिए, किसके लिए है। तो आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट जिसके पास दिमाग अच्छे से चल रहा हो, बेसिक आपने एक बार कुछ सीख लिया और एडवांस सीखने का मन नहीं हो रहा है, सीखने का तरीका आपका नहीं है, तो आप सीख नहीं पाते हो, तो आपके लिए वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स में घुस जाते हैं, 2 साल का कोर्स कर लेते, फिर बोलते सर मेरे पास जॉब नहीं है। तो 5,000, 10,000, 20,000 की जॉब है, लाखों रुपए की जॉब नहीं है। पहले ऐसा बोला था कोर्स से पहले कि मेरे वेबसाइट डेवलपमेंट से कोर्स कर लो तो आप 50,000 लाख रुपए घर बैठे कमा लोगे, नहीं कमा पाओगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, इश्यू भी यही है। इसलिए बोल रहा हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट वही लोग करना कि जिसको क्रिएटिविटी का शौक हो, या तो जिसके दिमाग में डेली डेली न्यू क्रिएटिव आइडिया आते हो, जिसको डिजाइनिंग का शौक हो। डिजाइनिंग भी होता है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग। पहले तो लेआउट बनाना पड़ेगा, कहाँ पर बटन रखूँ, कहाँ पर इमेज रखूँ, कहाँ पर टैक्स रखूँ, बहुत सारी थिंग्स आती है। बोल बोल के मैं भी थक जाऊंगा, तब तक वो आती है। वेबसाइट डेवलपमेंट टफ भी है, इजी भी है। जो सीख गए उसके लिए इजी है, क्योंकि रेडीमेड कोड भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। उसके लिए आपको एडवांस सर्च आना चाहिए। एडवांस सर्च मतलब आपको कुछ बनाना है कि जैसे कि एक बॉक्स बनाना है वेबसाइट के अंदर, तो बॉक्स को क्या बोलते हैं वो चीज आपको पता होनी चाहिए। बॉक्स को क्या बोलते हैं वो सर्च करोगे गूगल में कि वो बॉक्स कैसे बनता है कोडिंग के थ्रू, तो आपको कोड मिल जाएगा, बट वो सर्च करना आपको आना चाहिए। तो आपके पास क्रिएटिव दिमाग और क्रिएटिविटी हो तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट हो। अगर आपको सीखने का मजा नहीं आ रहा डेली डेली नया नया सीखने का, तो आपके लिए वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं है। क्लियर कट बात है। जिसको कुछ कंफ्यूजन हो डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऑनलाइन अर्निंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, तो मेरी चैनल प्रियेश खातरानी पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यूट्यूब करना है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो कैसे करे, कब करे, क्या करे, वो सब चीजें वहां पर मिल जाएगी। ये मेरे को एक कॉमेंट आया था कि वेबसाइट डेवलपमेंट कौन कर सकता है, कब कर सकता है, तो उसके लिए चीज है, उसके लिए पढ़ाई या तो डिग्री कुछ जरूरत नहीं है। आप 10 पढ़े हो 8 पढ़े हो, बट आपको कंप्यूटर आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बोलो परफेक्टली, थोड़ा बहुत मतलब पढ़ना, पढ़ लिया क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो चीज आपको एरर आई तो पढ़ना पड़ेगा एरर क्या बता रहा है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में इतनी चीजें आती है, और भी बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, बट मैं सब नहीं बताऊंगा, इसमें बेसिक था। और कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।